हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ स्विचिंग बॉडी। आज का टॉपिक है हमारा सीपीआर। सीपीआर एक होता है अडल्ट के अंदर, एक होता है चाइल्ड के अंदर, एक होता है इन्फेंट के अंदर, यानी बड़ों के अंदर, और मिडिल वाला जो चाइल्ड चिल्ड्रन होता है बच्चे, और एक इन्फेंट यानी एक साल तक के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर कौन कौन से टेक्निक यूज करनी है। एक सबसे पहले होता है कि जो हमें पल्स लेनी है वो कहाँ से लेनी है, अडल्ट के लिए, चिल्ड्रन के लिए, और अगर इन्फेंट है तो सीपीआर के समय जो हम असेसमेंट करते हैं पल्स का, तो पल्स का असेसमेंट कहाँ कहाँ से करते हैं, कौन कौन सी पल्स से करते हैं। दूसरा आता है हमें कंप्रेसर लैंडमार्क, यानी हमें कंप्रेस करना कहाँ है, सबके अंदर अलग अलग होता है। एक होता है कंप्रेशन मेथड, हमें कौन सी मेथड यूज करनी है, यानी टू हैंड मेथड यूज करनी है या वन हैंड मेथड यूज करना है, टू थंब या टू फिंगर, कौन सी मेथड यूज करना है। ये एक होता है कंप्रेशन डेप्थ, यानी कितनी अंदर तक हमें डेप्थ तक कंप्रेशन करना है। एक होता है कंप्रेशन रेट, यानी एक मिनट के अंदर कितनी बार कंप्रेस करना है। सेकंड होता है कंप्रेशन कर रहे हैं और उसके साथ साथ में जो हम रेस्पिरेशन दे रहे हैं, इन दोनों के बीच में रेशियो क्या होना चाहिए। आज का टॉपिक है हमारा सीपीआर के अंदर अडल्ट, चिल्ड्रन, चाइल्ड और इन्फेंट। सबसे हमारा जो पहला पॉइंट होगा वो होगा पल्स असेसमेंट। सीपीआर के समय अगर हमें पल्स का असेसमेंट अडल्ट में कहां करना है, चाइल्ड के अंदर, इन्फेंट के अंदर कहां से लेना है, तो अडल्ट के अंदर लेते हैं कैरोटिड पल्स से। कैरोटिड पल्स यहां से, सेकेंड है चिल्ड्रन का, तो चिल्ड्रन का लेते हैं फीमोरल पल्स से। फीमोरल आर्टरी होगी वहां से हमें लेना है, ये इन्फेंट के अंदर लेना है वो होता है ब्रेकियल से। ठीक है, फीमोरल पार्ट से यहां से, ब्रेकियल यहां से, और चिल्ड्रन का लेते हैं तो ब्रेकियल आर्टरी से। तो तीनों के अंदर पल्स लेने की जो अलग अलग पल्स से लेते हैं सीपीआर के अंदर। सेकंड आता है हमारा कंप्रेशन डेप्थ, या कंप्रेशन ऐसे कह सकते हैं कंप्रेशन लैंडमार्क। कंप्रेशन लैंडमार्क यानी करना कहां है, यानी कहां पर हमें ये सीपीआर या जो कंप्रेस करने का जो प्लेस है वहां पर करना है। तो सबसे पहले अगर बात करें अगर नॉर्मली तो कहते हैं लोअर हाफ ऑफ, यानी जो लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम, स्टर्नम के लोअर हाफ में हमें ये कंप्रेशन करना है। अगर तीनों के अंदर देखें तो तीनों के अंदर अलग अलग है। सेंटर ऑफ सिस्ट, सेस्ट के सेंटर पॉइंट में, इसका भी आ जाएगा सेंटर ऑफ सिस्ट। एक होता है अगर दोनों निम्पल होते हैं ब्रिस्ट के, दोनों निम्पल के बीच में अगर हमें इमेजिनरी लाइन बनाए दोनों निम्पल के बीच में, तो इसका जो भी सेंटर पार्ट होगा उसके जस्ट बिलो, हम कह सकते हैं जस्ट बिलो द, जस्ट बिलो द निप्पल लाइन, दो निप्पल के बीच में अगर हम इमेजिनरी लाइन बनाए तो उसका सेंटर पार्ट होगा उसके जस्ट बिलो के अंदर हमें यहां पर कंप्रेस करना है। तीनों के अंदर हो गया सेंटर ऑफ द सेस्ट, सेंटर ऑफ सेस्ट और जस्ट बिलो द निप्पल लाइन, जो निप्पल लाइन होगी उसके सेंटर के जस्ट नीचे की तरफ हमें कंप्रेस करना है। अब कौन से मेथड के द्वारा करनी है, यानी टू हैंड, वन हैंड, टू फिंगर या टू थंब। थर्ड है जो कंप्रेशन, कंप्रेशन के अंदर ही फर्स्ट हो गया लैंडमार्क, सेकंड है मेथड। इसके अंदर मेथड करना हो जाता है टू हैंड, टू हैंड दोनों हाथों से, दोनों हाथों से करते कैसे, तो वन हैंड और टू हैंड दोनों को यहां पर इसके ऊपर कंप्रेस करना, और जो ये होता है पाम एरिया इसको टच करना उसके सेस से, और ये यहां से
पूरे टाइट होना चाहिए, ऐसे नहीं बेंड होना चाहिए, ना यहां से और ना यहां पर बेंड नहीं होना, यानी ऐसे ऐसे कंप्रेस नहीं करना है, एकदम सीधे सीधे से पूरे, यानी ये पूरा एकदम एंगल एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, जो हैंड है वो स्ट्रेट होना चाहिए। टू हैंड टेक्निक से यूज करते हैं अडल्ट के अंदर, यहां पर जो चाइल्ड होते हैं उसके अंदर टू हैंड भी यूज कर सकते हैं और वन हैंड टेक्निक भी यूज कर सकते हैं चिल्ड्रन के अंदर। और जो इन्फेंट होते हैं एक साल के बच्चे, उनके अंदर टू थम, टू थम या टू फिंगर टेक्निक यूज कर सकते हैं, टू थम या टू फिंगर, इसके अंदर या तो दोनों थम से कंप्रेस करना है या फिर दो फिंगर से, यानी टू थम या टू फिंगर, इन दो टेक्निक के द्वारा हम कंप्रेस कर सकते हैं जस्ट बिलो द निपल एंड यहां पर जो एरिया है वहां पर। अब कितनी डेप्थ तक हमें कंप्रेस करना है, अगर ऐसे माना जाता है कि वन थर्ड पार्ट होता है जो सेस्ट का, यानी लगभग 33 पार्ट जो सेस्ट का जो पार्ट होगा यहां से वो 33 पार्ट तक कंप्रेस करना होता है, यानी वन थर्ड पार्ट ऑफ द सेस्ट। अगर हमें यहां पर अगर बात करें तो इसमें लगभग 2 इंच तक कंप्रेस करना है, यानी 5 से 6 सेंटीमीटर तक। अगर यहां पर तो 1.5 से लेके 2 इंच तक, तो 4 टू 5 सेंटीमीटर तक, और यहां होता है 0.5 से लेके 1 इंच तक, यानी हमें कह सकते ऐसे 3 टू 4 सेंटीमीटर डेप्थ, यानी 1/3 पार्ट ऑफ द सेस्ट कंप्रेस करना है हमें, तो 2 इंच है अडल्ट के अंदर, चाइल्ड के अंदर 1.5 से 2 इंच तक, और इन्फेंट के अंदर 0.5 से 1 इंच तक हमें कंप्रेस करना है। ठीक है, ज्यादा कंप्रेस नहीं करना है कि पूरा ही मैटर बिगड़ जाए, हमें इतना ही कंप्रेस करना है जो हमारा रेशियो है। चौथा, जो कंप्रेस करना है वो किस रेट के अंदर करना है, यानी एक मिनट के अंदर कितनी बार हमें कंप्रेस करना है, तो ये सब के अंदर ये होता है 100 बीट पर मिनट, इसमें भी 100 बीट पर मिनट और 100 बीट पर मिनट, यहीं पर आपको 90 भी मिलेगा चिल्ड्रन के अंदर, लेकिन हमें नॉर्मली फॉलो करना है 100 बीट पर मिनट, जो रेट रखनी है वो तीनों में सेम रखनी है, यानी एक मिनट के अंदर 100 बार हमें कंप्रेस करना है इस रेट से, यानी 100 बीट पर मिनट, यानी एक मिनट के अंदर 100 बार कंप्रेस करना है। अब एक हमारा क्वेश्चन आता है, हमारा रेशियो, यानी जो कंप्रेशन और जो रेस्पिरेशन देते हैं, यानी तो इस पे एयर देंगे जो माउथ टू माउथ दे सकते हैं, वो माउथ टू माउथ या स्टोमा के थ्रू और नोज के थ्रू, इन तीनों रूट के थ्रू हमें जो हम एयर पुश करते हैं, यानी उसका और सेस्ट कंप्रेशन का रेशियो क्या होना चाहिए, कितनी कंप्रेशन के बाद में हमें एयर देनी है। इसमें क्वेश्चन आता है कि अगर सेफ्टी यानी केयर गियर वाले 2 पेशेंट है, यानी 2 आदमी है जो केयर कर रहे हैं इस पेशेंट की, या फिर 1 आदमी है जो केयर कर रहा है, तो हमें क्या करना है, तो इसका होता है 30 रेशियो, यानी हर 30 कंप्रेशन के बाद में 2 बार एयर देनी है, हर 30 बार हम कंप्रेस करेंगे सीधे सीधे, उसके बाद में 2 बार हमें एयर देनी है। इसके अंदर अगर आ जाए कि अगर बचाने वाले 2 है तो इसके अंदर रेशियो क्या होगा, तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा, दूसरा बलि ये सेकंड सेंच करते रहे, यानी एक एयर देगा और दूसरा कंप्रेस करता रहेगा, ऐसे ज्यादा नहीं करना है। अगर एक चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रन और इन्फेंट के अंदर, इनके अंदर थोड़ा अलग होगा, अगर एक केयर करने वाला है या 2, इसमें भी एक केयर करने वाला है या 2 सेफ्टी वाले, इसके अंदर अगर एक है तो 30:2 हो गई, अगर 2 केयर करने वाले हैं तो 15:2, अगर 2 है तो हर 15 कंप्रेशन, यानी हर 15 कंप्रेशन के बाद में 2 बार एयर पुश करनी है। इसमें भी अगर
केयर करने वाला एक है तो 30:2 और दो है तो 15:2। इस तरीके से होता है डिफरेंशिएशन। सबसे पहले अर्टेट का कैरोटिड पल्स से, फीमोरल कसाइल और ब्रेकियल लेते हैं इन्फेंट से। जो कंप्रेशन करना है वो कहां करना है, लगभग होता है लोअर हाफ स्टर्नम, स्टर्नम के लोअर हाफ में करना है। और अडल्ट की बात करें तो सेंटर ऑफ द चेस्ट, अडल्ट और चिल्ड्रन के अंदर सेंटर ऑफ द चेस्ट, और इन्फेंट के अंदर तो एक साल के बच्चे जस्ट बिलो द निपल लाइन कंप्रेस करना है। मेथड टू हैंड टेक्निक यूज करनी है अडल्ट के अंदर, और चिल्ड्रन के अंदर टू हैंड भी कर सकते हैं और वन हैंड भी कर सकते हैं कंप्रेशन। लेकिन इन्फेंट के अंदर या तो टू फिंगर टू थंब या फिर टू फिंगर टेक्निक यूज करनी है। डेप्थ लगभग 1/3 पार्ट ऑफ द स्टर्नम, स्टर्नम के 1/3 पार्ट तक कंप्रेस करना है। अडल्ट के लिए 2 इंच, चिल्ड्रन के लिए 1.5 से 2 इंच तक, और इन्फेंट के लिए भी 0.5 से 1 इंच तक कंप्रेस करना है। जो हमें रेट रखनी है एक मिनट में कितनी बार कंप्रेस करना है, लगभग 100 बार, यानी 100 बार हमें कंप्रेस करना है हर मिनट। लास्ट आता है रेशियो, जो कंप्रेशन और रेस्पिरेशन का रेशियो क्या रखना है। अगर कितने भी, यानी एक है सहायता करने वाला, एक है या दो है सीपीआर देने वाला, तो हर 30 कंप्रेशन के बाद में 2 बार एयर पुश करनी है, भले एक हो या दो हो बचाने वाले केयर करने वाले। लेकिन जो चिल्ड्रन और इन्फेंट के अंदर अगर बचाने वाले एक दो एक से ज्यादा है तो 30:2 भी कर सकते हैं। अगर ज्यादा है, दो है, क्वेश्चन आता है दो केयर गिवर है, तो दो केयर गिवर होने पर 15:2, यानी हर 15 कंप्रेशन के बाद में 2 बार हमें एयर पुश करनी है। तो इस तरीके से होता है अडल्ट चिल्ड्रन और इन्फेंट के अंदर सीपीआर का अलग अलग असेसमेंट, कंप्रेशन डेप्थ, कंप्रेशन लैंडमार्क, कंप्रेशन रेशियो और कंप्रेशन रेट।